महागाई, बेरोजगारी आणि जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी मधील वाढ करण्याच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसकडून दिल्लीमध्ये रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. दिल्लीच्या ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर ही हल्लाबोल रॅली आयोजित करण्यात आली आहे. या रॅलीमध्ये काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी बोलतायत. आपण थेट जाऊया. छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वाले हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उन पर चोट मारी. और आज हालत क्या है, और यहां स्टेज से बोलना, ये बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आज हिंदुस्तान की हालत यह है कि अगर देश चाहता भी है तो देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा. क्यों भाइयों और बहनों, देश को रोजगार ये दो उद्योगपति नहीं देते हैं. देश को रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देते हैं. देश को रोजगार किसान देते हैं. और इन लोगों की रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दी है. तो आज जो इस देश को रोजगार दे सकते थे वो इस देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं. और बेरोजगारी जो आज आपको बेरोजगारी दिख रही है वो आने वाले समय में और भी बढ़ेगी. एक तरफ आपको बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई. मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है. पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर. डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर. सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर. दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर. आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी. तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई. भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान ने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी. नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने, 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इतनी महंगाई हिंदुस्तान को नहीं दिखाई. तो हिंदुस्तान का आम नागरिक बहुत मुश्किल में है, बहुत दर्द सह रहा है. और जब विपक्ष इन बातों को पार्लियामेंट में उठाना चाहती है तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार विपक्ष को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती. चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे चाइना का आक्रमण जो हुआ उसकी बात करना चाहे, बेरोजगारी की बात करना चाहे, महंगाई की बात करना चाहे, हम नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में नहीं कर सकते. और आप देखिए, यहां हमारे मीडिया के मित्र हैं, इनका काम जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने का होता है, मगर ये भी अपना काम नहीं करते हैं. 24 घंटा ये कैसे करेंगे? ये मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों का मीडिया है. पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों के हाथ में है, तो सच्चाई कैसे दिखेगी, सच्चाई कैसे सुनाई देगी? और जनता को सब मालूम है. जनता घर में टीवी ऑन करती है और जनता जानती है कि टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है.
टीवी दो उद्योगपतियों का है, अखबार दो उद्योगपतियों के हैं, और ये दो उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई और देश का पूरा धन दो उद्योगपतियों के हाथ में, एक तरफ मीडिया का कंट्रोल, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री पे कंट्रोल। अभी किसी ने कहा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर उन दो उद्योगपतियों के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। मीडिया के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। और जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मीडिया हो, प्रेस हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारा इलेक्शन कमीशन हो, उन सब पर दबाव है, उन सब पर सरकार आक्रमण कर रही है। तो यात्रा की क्या जरूरत है? यात्रा की यह जरूरत है कि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है, हमें सीधा जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मीडिया हमारा नहीं, संसद में हम बोल नहीं सकते, तो अब कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के पास सिर्फ एक रास्ता है, जनता के बीच में जाकर उनको देश की सच्चाई बताना। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ काम करना चाहता है, चाहे कोई भी हो, विपक्ष की पार्टी हो, एक्टिविस्ट हो, एनजीओ का कोई व्यक्ति हो, उस पर पूरा का पूरा जबरदस्त आक्रमण होता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब के सब लगा दिए जाते हैं। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया, मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। यह हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसकी रक्षा करना, आज इसको बचाने का काम हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए, तो फिर ये देश नहीं बचेगा। क्योंकि ये देश संविधान है, ये देश, इस देश की जनता की आवाज है, ये देश इस देश की जनता का भविष्य है, यह देश दो उद्योगपतियों का नहीं है, यह देश हिंदुस्तान के गरीब लोगों का है। और आज दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का। उस देश में कोई सपना नहीं देखा जा सकता। उस देश में अगर आप रोजगार चाहते हो नहीं मिल सकता, अगर आप अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हो आप नहीं कर सकते हो। उस देश में आपको अपना खून पसीना देना पड़ेगा और खून पसीना देने के बाद आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और दूसरा देश, इसी हिंदुस्तान के अंदर दो तीन
10-15 उद्योगपतियों का, अरबपतियों का, उसमें आप जो भी सपना देखना चाहते हो देख सकते हो, जो भी आप चाहते हो आपको हिंदुस्तान में मिल जाएगा। भाइयों और बहनों, इन दो देशों के बीच में लड़ाई है, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा कहती है कि देश को बांटना है और पूरा का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को देना है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश सबका है और देश की जनता जो अपना खून और पसीना देती है उसका फायदा 2-3 उद्योगपतियों को नहीं मिलना चाहिए, उसका फायदा हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, गरीब को, बेरोजगार युवाओं को मिलना चाहिए। यह फर्क है। और आपने, आप जाइए, आप आज चले जाइए और किसी भी छोटे दुकानदार से, किसी भी मजदूर से, किसी भी स्मॉलर मीडियम बिजनेस वाले से, किसी भी किसान से पूछ लीजिए, क्या यूपीए के समय और आज के समय में क्या फर्क है? यूपीए के समय में 70,000 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों को दिया बिना पूछे। नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून दिए। मजदूरों के लिए यूपीए सरकार ने एक ऐतिहासिक कानून मनरेगा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मनरेगा गरीबों पर अपमान है। और फिर आज उनको नरेगा देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आज यूपीए का नरेगा नहीं होता हिंदुस्तान में आग लग जाती। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।